हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का जो आज का टाइटल है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फनी भी है। इसके बाकी पार्ट से मैंने रिएक्ट किया था। मैं ट्विब्रो ऑफिशियल के जो पाकिस्तानी रोस्ट की सीरीज़ है उसके पार्ट फोर पर रिएक्ट करने जा रही हूँ। पार्ट 1, 2, 3 हमने रिएक्ट किया था, आप सबने उसको खूब पसंद किया है, तो आई होप आप इस पार्ट को ही पसंद करेंगे। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चैनल को सपोर्ट करिएगा। मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, साथ मजे करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 4 वी वांट पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल रोस्ट पार्ट 4। रुको जरा, सबर करो। और पार्ट 4 के लिए सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी? भाई प्लीज रोस्ट PNMM। भाई PNMM को रोस्ट करो। भाई PNMM के फारिस जिहादी को रोस्ट करो। PNMM पर कब आएगा ब्रो? आएगा आएगा। भाई इस बंदे को रोस्ट करने की डिमांड को देखकर समझ आया कि इस बंदे से लोग कितना खुंदस खाए बैठे हैं, जो चाहते हैं इस बंदे की हकीकत सबके सामने आए। हालांकि मेरा अभी इसको रोस्ट करने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि स्वयं सी पिनपिंग जी PNMM रोस्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो भाई मैं भी अपने आप को इसे रोस्ट करने से रोक नहीं पाया। तो आओ भाई लोग, हम तुम इस बंदे को मिलकर पेलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग बात करते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल के एक ऐसे रिएक्शन चैनल के बारे में जिसको ये भैंसा चला रहा है, राइट वाला। और इस रिएक्शन चैनल का नाम है पाकिस्तान नेशनल मदरसा छाप मुजाहिदीन। बाकी शॉर्ट फॉर्म आप समझ ही चुके होंगे। भाई इस बंदे का काम है भारतीय कंटेंट पर रिएक्शन देकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना और खुले दिल से कटोरा खान तालिबान और कश्मीरी दहशतगर्दों का समर्थन करना, क्योंकि कश्मीरी दहशतगर्दों को लेकर बंदे की सोच ही कुछ ऐसी है। जो है ना कश्मीर में जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना कश्मीरियों के इंडियन फौज के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, उसका एक रिएक्शन है। पहली बात, भारतीय फौज के मसले कश्मीरियों के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी दहशतगर्दों के साथ चल रहे हैं, जिनको पाकिस्तान द्वारा पाला पोसा जाता है। और दूसरी बात, भारतीय फौज को पाकिस्तानी फौज समझा है क्या, जो पाकिस्तानी फौज की तरह आतंकियों को ट्रेनिंग देगी? भारतीय फौज पिछवाड़े पर इतना असला मारेगी कि फटके फ्लोवर हो जाएगा। और साले जिहादी, तुझसे यही उम्मीद थी कि तू दहशतगर्दों का समर्थक होगा। जरूरी नहीं है कि वो टेररिज्म की जो डेफिनेशन है ना, वो एक बस एक प्लेट हो, इन्होंने बनाया हुआ है खेलने के लिए, उसमें कोई इतनी मुझे सच्चाई नहीं लगती। मतलब भाई इस पेटू की माने तो कश्मीर में आतंकी है ही नहीं, सब कुछ भारतीय फौज की वजह से है। पठानकोट, उरी, पुलवामा जैसे हमले सब झूठ हैं। अरे तेरी बहन का पोर की मारूं। भाई ये झोपड़ी वाले तो कसाब तक को पाकिस्तानी नहीं मानते, वो तो भला हो हलवाई शेख रशीद का जो भावनाओं में बहकर सच बोल गया। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया, जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। और भाई ये पेटू तो अब भी नहीं मानेगा कि मुंबई हमले के पीछे पाकिस्तान था। वहाँ पर क्यों इंटरनेट बंद होते हैं, कर्फ्यू क्यों होता है 8-8 महीने? अबे चूतिया, कर्फ्यू इंटरनेट बंद 370 हटने के बाद कुछ समय के लिए था, उससे पहले कौन सा इंटरनेट था? कश्मीर में तो दहशतगर्दी तुम लोग आजादी के बाद से ही फैलाते हुए आए हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई ये बंदा इतना हरामी है कि भारतीय फौज को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ता, हर वक्त जहर उगलता रहता है। लेकिन कुछ भारतीय लोगों ने इसको बनाया हुआ है अपना मसीहा। इसके कमेंट सेक्शन में कुछ भारतीय लोग लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, साला जिनके मुंह पर चप्पल देनी चाहिए उनको भारत से लव दे रहे हैं। भाई ऐसे कमेंट करने वाले वही लोग हैं जो आज भी सेकुलरिज्म का चोला पहनकर जिहादी सोच वाले लोगों की गुलामी कर रहे हैं। ये भूल गए इन पोर्कियों ने दहशतगर्दी के नाम पर हमारे देश का क्या हाल किया हुआ है। फिर भी ये लोग लगे हुए हैं इन रिएक्शन चैनल्स की चाटने में। और इस बंदे का शातिर पना तो देखो, अपने व्यूअर्स को कमेंट पिन करने का ऑफर देता है ताकि लोग कमेंट पिन होने की ख्वाहिश में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि ज्यादातर लोग इसकी जिहादी सोच की वजह से इसके कमेंट सेक्शन में गालियां ही बक रहे होते हैं। लेकिन कमेंट पिन में भी ये लोगों को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बंदा खुद ही किसी इंडियन नाम से फर्जी आईडी बनाकर खुद ही कमेंट करके पिन कर देता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भाई आप इसके लिखने के तरीके को देखकर खुद समझ जाओगे। हरीस भाई, हम आपके साथ हैं। अब भाई इसका ये के देखो, ये पोर की ई के साथ भाई जरूर लगाते हैं। इसकी और पोस्ट में भी लिखने का सेम तरीका मिलेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप,
समझ रहे हो ना भाई। इस लोडू को इसके मुल्क में कोई घास तक नहीं डालता, लेकिन कुछ भारतीय लोगों ने इसको सर पर बैठाया हुआ है। अब इसकी एफ बी पोस्ट देखो, 7 लाइक्स, 15 लाइक्स, 0 लाइक्स, 6 लाइक्स, 4 लाइक्स, और भाई इसकी खुद की पिक पर तो मातम छाया हुआ है, 0 लाइक। और जबकि यूट्यूब पर भारतीय लोगों की वजह से 1.2 मिलियन व्यूज, 961 के व्यूज, 893 के व्यूज, 875 के व्यूज। भाई ये हमारे देश और सेना के बारे में भौंकते इसलिए हैं क्योंकि आप इनकी वीडियोस देखकर इनको मौका देते हैं। तुम आज ही इनकी वीडियोस देखना छोड़ दो तो साले ये सब लाइन पर आ जाएंगे। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि ये बंदा अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को इतना जलील करता है, तब भी बंदे इसकी वीडियोस देखने पहुंच जाते हैं। ये मेरे जॉबलेस लगते हैं मुझे, ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, तुम पैसे कमा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, कमा रहे हैं भाई, तुम भी कमा लो, तुम भी खोल लो चैनल। भाई इसे कहते हैं दोगलापन। साला जो लोग इसको व्यूज दे रहे हैं उन्हीं को बोल रहा है जॉबलेस चैनल खोल लो। भाई इसके व्यूअर्स से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अब इतनी बेइज्जती झेल कैसे लेते हो? गजब बेइज्जती है, लेकिन तुम लोग सुधरने वाले थोड़ी हो, बेइज्जती कराने की आदत जो पड़ गई है। भाई धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपने देश के ना होकर इन पोरकियों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि ये पोरकिया हमारे देश और सेना का अपमान करने में लगे रहते हैं। अब भाई इस पेटू का ये एफबी पोस्ट देखो और इसका कैप्शन पढ़ो, बस यही है इन बंदों की असली कहानी। ये भारतीय लोगों में कितना प्यार मोहब्बत बांटते हैं ये आप खुद देखो। लेकिन अब भी कुछ पाकिस्तानी लवर्स कहेंगे कि ये एफबी पोस्ट फर्जी है, तो भाई ये देखो इसके यूट्यूब अकाउंट पर दिया हुआ एफबी लिंक ही खोला है जो इसका रियल अकाउंट है, जिसमें ये भारतीय सेना और खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहा है। अगर अब भी तुम इन पोरकियों के इरादे नहीं समझे तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर थोड़ी बहुत देशभक्ति दिल में अभी भी बची हुई है तो वक्त है अभी भी सुधर जाओ। अगर देखना है तो इंडियन कंटेंट देखो, ये लोग भी तो इंडियन कंटेंट पर ही रिएक्शन देते हैं, तो भाई इनके चैनल पर जाकर देखने का क्या मतलब? ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के चैनल पर जाकर देखो ना, इनके रिएक्शन का आपको करना क्या? ये रिएक्शन देकर पाकिस्तान को इंडिया में शामिल कराकर अखंड भारत बना देंगे या अपने देश में पीओके को भारत में मिलाने का आंदोलन करेंगे, जो तुम लोगों को इनका रिएक्शन मायने रखता है। भाई इन पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वालों को भारत भारतीयों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क पड़ता है व्यूज से, जिसके लिए आपको अक्सर चूतिया बनाते रहते हैं। वो तो भाई आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। लेकिन भाई मेरे अंदर का ज्वालामुखी अभी शांत नहीं हुआ, ये तो सिर्फ इस बंदे का नमूना था। मार तो अब पड़ेगी जब मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि इस बंदे ने इतनी गंद फैला रखी है कि मैं एक वीडियो में बता भी नहीं सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो हुई ख़त्म। हर बार की तरह ये पार्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जिस इंसान की बात कर रहा था कोई फारिस करके है, भाई मैं क्या बताऊँ, उस इंसान को मैंने पहले कभी देखा था, आई डोंट नो कि कोई मीम्स देखे थे या क्या देखा था, मतलब ये सच में ये बहुत अजीबो तरह की बात करता है। ये मतलब चैनल पे बैठ के और इंडियन लोग को ही गाली बकता है, इंडियन लोग को ही फालतू सीधी बातें करता है, और पता नहीं किस तरह के इंडियंस हैं जो इतना कुछ सुनने, इतना कुछ सहने के बाद देखने भी चाहते हैं उनके चैनल को। फिर लव फ्रॉम इंडिया, ओ माई गॉड, ये तो मतलब अल्टीमेट लोग, अल्टीमेट लीजेंड लाइफ के लोग ऐसे कर सकते हैं, लव फ्रॉम इंडिया। काहे का लव भाई, मतलब एक तरफा प्यार में ये लोग पागल होते जा रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा वहाँ से क्या मिल रहा है, ये सिर्फ दिखावा मिल रहा है भाई, कोई लव नहीं है भी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ आप लव फ्रॉम इंडिया लिखोगे तो भाई वहाँ से सच में प्यार आएगा, ऐसा आएगा, ये सिर्फ लिख देते हैं, पीस विल प्रिवेल, नथिंग विल प्रिवेल। पता है उनकी जब नीयत अच्छी नहीं है ना तो कुछ भी प्रिवेल नहीं होगा। इस बात को समझ लो और जान लो, और जितनी जल्दी जान लोगे, जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतनी जल्दी ही अच्छा होगा। आप जाके सपोर्ट करते हो, उनके व्यूज़ बढ़ाते हो, इससे क्या होता है भाई, उनको ही फ़ायदा होता है ना। वो हमारे ख़िलाफ़ बोल के, मतलब सोचो मतलब कितना, मतलब उनको तो मज़ा ही आता ना, जितना हमारे खिलाफ़ बोलते हो उतना व्यूज़ मिलता है, तो फिर उनको तो मज़ा ही है, उनकी भड़ास भी निकल गई, उनकी खुंदस भी निकल गई, उनको व्यूज़ ही मिल गए, और हम लोग ठहरे पागल, कुछ इंडियंस ठहरे पागल जो इनको इस तरह से सपोर्ट करते हैं। भाई मुझे बताओ ऐसा क्या है भाई इनको सपोर्ट करते हो। और दूसरी बात, ये इंसान मैं क्या बताऊँ, इमरान खान का तो हैट्स ऑफ फ़ैन है भाई, हर चीज़ में इमरान खान ऐसा करते हैं, इमरान खान ये, इमरान, अरे भाई मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर तुम्हारे इमरान खान इतने ही अच्छे हैं तो फिर क्या चला लिया उन्होंने नेशन को, हो गया नेशन। अब वो क्या कह रहे हैं, जब वो पार्टी से निकल गए हैं तो उनकी असली बौखलाहट निकल के सामने आ रही हो, क्या कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिक्स, दिस इज़ अ जिहाद। वो अपने कंट्री के खिलाफ ही जिहाद करेंगे, जहाँ ये पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि सारे पार्टीज़ को मिलकर काम करना चाहिए, वहाँ वो जिहाद करने की बात करें। ऐसे ऐसे तो लोगों को ये फॉलो करते हैं, इनके आइडियल्स अच्छे नहीं हैं, इनकी सोच अच्छी नहीं है, क्या मतलब ये क्या बताते हैं अपने चैनल में, देख लो
उन्हें नहीं लगता कश्मीर में दहशतगर्दी, उन्हें लगता है ये जो दहशतगर्दी या जो टेररिज्म है या जो अनरेस्ट है उन लोगों की वजह से, क्योंकि उनके राइट्स को सप्रेस किया गया है। ओ भाई, पहले आके जान लो अपने वाला कश्मीर समझ रखा है क्या? वो भी इंडिया का है, इंडिया बहुत जल्दी ले लेगा, लेकिन फिर भी क्या समझ रखा है इस चीज़ को? मतलब मैं सोचती हूँ, मतलब ये लोग समझ क्या रखते हैं एक ही चीज़ को कि भाई बहुत दबाया जा रहा है, ये किया जा, कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा। अब तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कश्मीर में, कभी आके, कभी बोलो ना आँखों पे पर्दा लगा है या वो चश्मा लगा रखा है, उसको वो निकालना नहीं चाहते। मैं कहते हैं ना, आप एक जगह पर इंसान को जगा नहीं सकते, वही इनका हाल है। ये जानते समझते सब फिर भी इनको प्रोपेगेंडा करना है, तो मैं क्या बताऊँ इनके बारे में? ये अपने कंट्री के नहीं होते तो ये किसके होंगे? तो बस आप इसी से समझ सकते हैं इनके बारे में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं इनके बारे में तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।